हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ABCA T10s प्लेस की बात करेंगे, जो कि मैच होगा यहाँ पर राइजिंग सन स्पार्टन्स वर्सेस बोलांत ब्रास्टर्स के बीच में, यानी कि RSS और बैंक ऑफ बड़ौरा। जोक सपाट, लेकिन चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन से प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते हैं कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन सा प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट इसी यूट्यूब चैनल पर कवर करेंगे। इनके अलावा आपको यहाँ पर BBL T20 के वीडियोज़ मिलेंगे, साउथ अफ्रीका T20 के वीडियोज़ मिल जाएंगे, सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। तो यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक अटैच किया हुआ है। इनकेस लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाइए, सर्च करिए फैंटासी डिसेंट चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। तो सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाली है। बात करें इस मैच की, तो ये मैच रात को 12 बजे सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम नॉर्थ साउंड एंटीगुआ वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो ऐसे बॉलिंग के लिए अच्छी पिच है, ज़्यादा रन्स बनते नहीं है, मैक्सिमम यहाँ से 80 से 110 मैंने मेंशन किया है, लेकिन कई बार तो यहाँ पर 40-50 रन में भी टीम सिमट जाती है। वही बात है, मैक्सिमम यहाँ से इतना ही स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है। सबसे पहले RSS की बात करते हैं, 3 मैच वो खेली है जिसमें से एक वो जीती, एक वो हारी और एक मैच उनका अबॉर्डिनेट रहा। तो होने वाली सारी दुर्घटनाएं इनके साथ हो चुकी है। ओपनिंग की बात करूँ तो यहाँ पर शेक्वेन हेवल्ट और यहाँ पर शेन बटन दोनों ने ओपनिंग किया। इसके पहले बात करूँ तो हेवल्ट काफ़ी नीचे खेले थे, लेकिन लास्ट मैच के अंदर उन्होंने ओपनिंग किया। ओवरऑल 35 मैच के अंदर करीबन 18 के एवरेज से 545 रन है। राइट हैंडेड बैटिंग करवा लेते हैं, 12-7 और 0, इतना कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं, ओके रहेंगे, ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करना है या फिर ऐसे बहुत ज़्यादा रिस्की खेलो तभी। शेन बॉल्टन की बात करूँ तो लास्ट मैच में भी हमारे लिए पंट प्लेयर थे, इस मैच के लिए भी हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगे। पहली मैच की बात करो तो 5 रन की बैटिंग से एक विकेट निकाला, दूसरी मैच की बात करो तो 43 रन की बैटिंग से जहाँ पर ओवर्स की बात आई तो वहाँ पर विकेट लेस रहे। ओवरऑल 66 मैच के अंदर 68 विकेट है, करीबन 25 के एवरेज से 1641 रन है, वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, इवन कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेगा। ओवन ग्रेहम की बात करो तो 47 मैच के अंदर 67 विकेट है, पहली मैच की बात करो तो 2 ओवर्स की गेंदबाजी की विकेट लेस रहे। दूसरी मैच की बात करें तो वहाँ पर 0 पे आउट हो गए, ओवर्स करवाई नहीं। लास्ट मैच की बात करो तो 33 रन किए थे बैटिंग से, 2 ओवर्स की गेंदबाजी करवाई जहाँ पर एक विकेट निकाला। ओवरऑल भी 47 मैच के अंदर 67 विकेट, करीबन 20 की एवरेज से यहाँ पर 877 रन है। तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों इसे अच्छा एडवांटेज दे सकते हैं, तो ये भाई साहब भी आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं। इनके अलावा यहाँ से कैरी मेंटोर, जो कि अभी तक 3 मैच के अंदर ओवर्स नहीं करवाए, लेकिन पिछली दोनों मैच के अंदर 16-16 रन करते हुए आ रहे हैं, और जिस हिसाब से इस ग्राउंड के ऊपर रन्स बन रहे हैं, इस टूर्नामेंट के अंदर रन्स बन रहे हैं, आई थिंक 16 रन एक बहुत ही अच्छा स्कोर है, ट्राई कर सकते हो इनको, इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। रिची थॉमस की बात करो, रिची थॉमस पहली 2 मैच के अंदर 1-2 विकेट निकाली थी, ज़्यादातर पब्लिक इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन करती हुई आएगी, तो आप लोग भी चाहो तो यहाँ पर इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन के तौर पर ट्राई कर सकते हो। इनके अलावा ऐसे डिनोन विलिस ओके रहेंगे, ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करना है। इनके अलावा ऐसे जहीब नॉर्डे ओके रहेंगे, या से टसिलो एलन की बात करो तो अभी तक 3 मैच खेले, जहाँ पर 2 मैच के अंदर उन्होंने ओवर्स करवाई, और जहाँ जहाँ उन्होंने ओवर्स करवाई वहाँ पर उन्होंने विकेट जरूर निकाले हुए हैं, इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। लेकिन याद रहे कि सेकंड लास्ट मैच के अंदर उन्होंने ओवर्स नहीं करवाई थी, तो अगर ओवर्स नहीं करवाई गई तो फिर बैटिंग से इनसे कोई उम्मीद रखने जैसी है नहीं। इसके अलावा ऐसे इजाइया बर्नी की बात करूं, इजाया बन्नी ने लास्ट मैच के अंदर 2 ओवर्स की गेंदबाजी की, विकेट लेस रहे। ओवरऑल 48 मैच के अंदर 68 विकेट है, रन से कुछ खास नहीं है, विकेट्स वगैरह चटका सकते हैं लास्ट मैच के अंदर ओवर्स की, तो अगली मैच के अंदर भी ऐसे 1-2 ओवर्स की गेंदबाजी करवा सकते हैं, रिस्क ले सकते हो, इस प्लेयर के ऊपर आपको रिस्क लेना है। ओजा विलियम्स की बात करो तो ओके रहेंगे, ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करना है, हालांकि रिकॉर्ड अच्छा है लेकिन बॉलिंग करने का चांस इसको कम ही मिलेगा, क्योंकि और भी इनके पास चांस बॉलर्स है जो कि ऐसे पूरी ओवर्स करवा सकते हैं। हरीलाल की बात करो तो हरीलाल का भी कुछ ऐसा ही है, पहली मैच के अंदर 2 ओवर्स की गेंदबाजी करवाई थी जहाँ पर एक विकेट निकाला था, पिछली 2 मैच के अंदर ओवर्स नहीं करवाई। ओवरऑल 51 मैच के अंदर 57 विकेट्स है, वैसे भरोसा कर सकते हो, लेकिन याद रहे कि जब तक ओवर्स नहीं करवाया तब तक ये भाई साहब को यहाँ पर परफॉर्मेंस देना थोड़ा सा मुश्किल है। बेंच से कोई भी प्लेयर खेलता है तो इनके स्टैट्स और उनके अपडेट वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो जल्दी से जाके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना रहेगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आइए चलिए बात करते हैं ऐसे बैंक ऑफ बड़ौरा जोक सपाट एक बार फिर से, ऐसे BOB की बात करते हैं, 3 मैच के लिए जहाँ से तीनों ही मैच हारी है, तो अपनी पहली जीत की तलाश में आएगी। हगोन टोंगे और यहाँ पर
तजेजा टोंगे दोनों ने ओपनिंग करवाया। अभी इंपोर्टेंस की बात करते हैं, तजेजा टोंगे वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहा है क्योंकि कंसिस्टेंसी दिखाई उन्होंने। पहले मैच के अंदर 20 रन किए, फिर 42 किए, लास्ट मैच के अंदर 11 रन किए। ओवरऑल रिकॉर्ड इतने कुछ खास नहीं है, 32 मैच के अंदर करीबन 12 के एवरेज से 309 रन है डिफरेंस रेट में। मींस के एज अ प्लेयर इनको लेके जाना है। डिफरेंस रेट में आप लोग यहाँ से युगोन टोंगे को ले सकते हो। पहले मैच के अंदर 25 रन किए थे बंदे ने, तो आई थिंक यहाँ से एक भरोसे लायक प्लेयर बन सकता है आपके लिए। जैसे टीएम टोंगे की बात करते तो इंपॉर्टेंस रहेगा, इनको डेफिनेटली लेके जाना है। ओवरऑल 76 मैच के अंदर 88 विकेट्स है। अभी तक तीनों ही मैच के अंदर टॉप में खेला है। पहली मैच के अंदर 17 रन किए, एक विकेट निकाला, फिर 10 रन किए, एक विकेट निकाला। लास्ट मैच के अंदर बैटिंग से भी 0 और बॉलिंग से भी 0। तो इनको फिर भी एज अ प्लेयर हम लोग लेके जाएंगे। इनके अलावा यहाँ से डी फॉरडेंस है। डी फॉरडेंस ओवरऑल काफ़ी जबरदस्त गेंदबाज है, 71 मैच के अंदर 122 विकेट है। भाई देखो इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो। आई थिंक यहाँ पर मेरी स्मॉल लीग की टीम के अंदर मैं यहाँ पर फॉरडेंस को लेके जा सकता हूँ। मैं ये रिस्क लेने वाला हूँ। 71 मैच के अंदर 122 विकेट है, पूरी ओस भी करवा रहे हैं। कभी भी यहाँ से 1-2 विकेट निकाल के हमको वन साइडेड विनिंग करवा सकता है। इनके अलावा ऐसे मार्टिन सीजर है जो कि इंपॉर्टेंस रहने वाला है। पिछले दोनों मैच के अंदर विकेट निकालते हुए आ रहे हैं, भले ओवर्स ज़्यादा नहीं करवा रहे। पहले मैच के अंदर 2 ओवर्स की गेंदबाजी की, लेकिन लास्ट मैच की बात करो तो सिर्फ 1 ही ओवर्स की करवाई गेंदबाजी। तो डिफरेंस में ट्राई कर मीन्स के एज अ प्लेयर इनको लेके जाना है। इनके अलावा ऐसे ओमर फ्रांसिस है, रिस्की खेलो तो ट्राई करिएगा। लास्ट मैच के अंदर 1 विकेट निकाला लेकिन ज़्यादा ओवर्स करवा नहीं रहा है। श्यामार वेलेंस की बात करो तो ये ओके रहेंगे। ग्रैंड लीग में ट्राई करना है इनको, स्मॉल लीग के लिए बिल्कुल प्रिफेरेबल नहीं है। ऐसे अथिल भी रिस्की रहेंगे यहाँ पर। बात करें ऐसे ग्लेन रॉय फेरल भी इतने कुछ खास नहीं है। यहाँ पर हिंगिन्स है, यहाँ पर पार्कर है। देखो इनके ज़्यादातर प्लेयर जो है कुछ इफेक्टेड रहने वाले नहीं है क्योंकि काफ़ी नीचे इनका बैटिंग ऑर्डर आ रहा है। वैसे भी देखो ये टीम लगभग यहाँ पर बहुत ही सस्ते में निपट सकती है। अभी तक का इनका पूरी टूर्नामेंट की बात करो तो पूरी टूर्नामेंट के अंदर हाईएस्ट स्कोर कितना रहा है, इंडिविजुअल की बात करो, इंडिविजुअल का हाईएस्ट स्कोर इनका 25 रन रहा जो कि यहाँ पर टोंगे ने किए। इसके सॉरी यहाँ से 42 किया तजेजा टोंगे ने, इसके बाद यहाँ से युगेन टोंगे ने 25 किया। इनके अलावा बाकी और सारे परफॉर्मेंस आप देखो तो किए तो कोई लगभग यहाँ से डबल फिगर में भी ज़्यादातर नहीं गया। तो टॉप में जो बैटिंग करवा रहे हैं उन्हीं के ऊपर हमें बैटिंग से और बॉलिंग से भरोसा करना है, तो वही करना है। बाकी बेंच से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और उनके अपडेट वगैरह टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे ताकि आपको आसानी रहेगी चेंजेस वगैरह करने की। तो जल्दी से जाना है, टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटासी टीम कौन सी रहेगी, कौन से प्लेयर को लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो बात करें यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन की तो टी पार्कर हमारी टीम के अंदर रहने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग के हिल को भी ट्राई कर सकते हो, ट्राई करना चाहते हो तो, लेकिन लास्ट मैच वो खेले नहीं थे तो इसके लिए लेके जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बैटिंग सेक्शन की बात करो तो ऐसे टोंगे जो कि तजेजा टोंगे, इनके अलावा यहाँ से तसीलो अलेन है हमारी टीम के अंदर, और इनके अलावा यहाँ से एस ह्यूलेट को लिया है जो कि यहाँ से ओपनिंग करवा रहे। कुछ खास परफॉर्मेंस तो है नहीं, लेकिन फिर भी और कोई ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है यहाँ पर, कोई ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं जिनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। या से ओ फ्रांसिस के ऊपर भरोसा करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, दोनों में से किसी एक को ले सकते हो, या से ह्यूलेट को या तो फिर या से ओ फ्रांसिस, दोनों में से किसी एक को ले सकते हो। लेकिन ह्यूलेट को मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये ओपनिंग करवा रहे हैं यहाँ पर। इनके अलावा यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर टी टोंगे, इनके अलावा ऐसे आर थॉमस है, एस बॉर्टन और यहाँ पर एम सीजर हमारी टीम के अंदर रहने वाले हैं। बाकी ये खतरनाक हेयर स्टाइल वाले भाई साहब को अगर आपको लेना हो तो ले सकते हो, ये यहाँ से ओपनिंग करवा रहे हैं तो इनके ऊपर भरोसा करना चाहते हो तो कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो। बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर के अथिल, डी फॉरडेस और यहाँ पर एम हरीलाल हमारी टीम के अंदर रहेंगे। यहाँ पर कुछ खास रिस्क लेने की ज़रूरत लग नहीं रही है मुझे इसके लिए। बाकी टीम की बात करो तो टीम कुछ इस तरह से रहेगी। कैप्टन रहेंगे हमारे यहाँ पर एस बॉर्टन, वाइस कैप्टन यहाँ से आर थॉमस रहने वाले हैं। आप लोग यहाँ से इनको उल्टा कर सकते हैं। इनके अलावा यहाँ से रिस्क आपको लेना है तो रिस्क कौन से प्लेयर के ऊपर आप लोग रिस्क ले सकते हो, तो सबसे पहले तो यहाँ से बॉलिंग सेक्शन से चले जाइए, फॉरडेंस को ट्राई कर सकते हो। अच्छा बॉलर है, अभी तक विकेट लेस गया है लेकिन कभी भी बड़ा परफॉर्मेंस दे सकता है, तो ये इनको ट्राई कर सकते हो। इनके अलावा ऑप्शन सारे ठीक ठाक है, इतने कुछ खास ऑप्शन है नहीं। बाकी टीम कुछ इसी तरह से रहेगी, याद रहे जो टीम है डेमो टीम है। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगी फाइनल लाइनअप के बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इनके लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाइए, टेलीग्राम में जाके सर्च करिए फैंटासी डिसेंट चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। यहाँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ। और बाकी आपको करना है वीडियो को अच्छे से देखिएगा क्योंकि बहुत लेट लाइन मैच है, शायद यहाँ पर मेरा वर्क लोड रहा तो शायद मैं अवेलेबल रहूँ ना रहूँ, इसके लिए वीडियो को अच्छे से देखना है। अच्छी सी टीम
बना रहे हैं और अच्छे से अपनी खुद की टीम बना के विनिंग करिए, तो यहाँ से आपको भी गर्व होगा, अपने आप का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।